स्टडी स्मार्ट आज हम CTP सेक्शन में साइकोसेक्शुअल थ्योरी या सिग्मंड थ्योरी पढ़ेंगे जो कि सिग्मंड फ्रॉयड द्वारा दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकी होता क्या है। इसमें साइकोसेक्शुअल पार्ट में जो साइको है उसका मतलब क्या होता है। तो फ्रॉयड ने यूज़ किया था एनालॉजी ऑफ एन आइसबर्ग टू डिस्क्राइब 3 लेवल्स ऑफ माइंड, मतलब माइंड के 3 लेवल्स को समझाने के लिए आइस जो होता है बर्फ, तो बर्फ़ का उन्होंने यूज़ किया, मतलब उससे कंपेयर करके उन्होंने 3 लेवल्स बताए। ऑन द सरफेस इज कॉन्शियसनेस विच कंसिस्ट ऑफ दोज थॉट दैट आर द फोकस ऑफ आवर अटेंशन। तो सरफेस पे कॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स रहते हैं जिस पे हमारा फोकस, हमारा अटेंशन अभी है, और ये हमें जो आइसबर्ग मतलब होता है उसके टिप को दर्शाता है। वहीं प्री कॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को रखता है जो कि मेमोरी में रिट्रीव है। थर्ड जो है वो बात करी, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड का, वो उन प्रोसेसेस को या उन थॉट्स को बताता है जिसकी वजह से रियल कॉज ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब हमारे बिहेवियर का जो रियल कॉज है उन चीज़ों को अनकॉन्शियस माइंड अपने अंदर रखता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइंड का, जिसको हम सब नहीं देख सकते, हम साइंटिस्ट वगैरह सब जनों ने क्या किया है तो 2 पार्ट से उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में अभी भी जो हमारी कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन जो है वो अभी भी बहुत कम है, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वहीं पर्सनालिटी जो है वो 3 टायर सिस्टम पे काम करता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। जो ईद है इसमें 3 वर्ड्स हैं, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो ईद है वो अनकॉन्शियस वाला पार्ट है, जहाँ पे ईगो जो है वो पार्शियली कॉन्शियस है, और जो सुपर ईगो है वो टोटल कॉन्शियस वाला पार्ट कहलाता है। तो ईद जो है वो अनकॉन्शियस है, और कॉन्शियस में 2 आते हैं, ईगो और सुपर ईगो। ईगो सुपर ईगो टोटली कॉन्शियस है, वहीं ईगो जो है वो पार्शियल है। ईद जो है वो इंस्टिंक्ट्स को दर्शाता है, वहीं ईगो रियलिटी को, और सुपर ईगो मॉरलिटी को। जैसे अगर हमें चॉकलेट खानी है तो जो ये ईगो वाला पार्ट है वो हमें कोई भी इच्छा बताता है कि हमें ऐसा करना है। अगर वो इच्छा सही है या गलत है ये सुपर ईगो काम करता है, और जो ईगो है वो उस चीज़ को किसे भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब अगर हम डाइट पे हैं तो ईगो क्या कहेगा कि हाँ डाइट पे है लेकिन हम थोड़ी सी तो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा ईगो करता है, और वहीं सुपर ईगो बताता है कि नहीं तुम डाइट पे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सब मतलब सारी मॉरलिटी वाली बातें सुपर ईगो करता है, रियलिटी की बात ईगो। और जो ईद है वो हमें हमारे इंस्टिंक्ट बताता है। अब हम ईद को थोड़ा डिफाइन में देखते हैं कि जो ईद है वो प्राइमरी एस्पेक्ट है किसी भी पर्सनालिटी का। फ्रॉयड ने ये बताया था कि जो मतलब वो बिलीव करते थे कि जो ईद है वो ब्लाइंड इंस्टिंक्ट है, मतलब उसे सिर्फ उसे किसी भी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ हमारी अपनी इच्छाएँ को दर्शाता है। ईद इज़ अ मॉरल, एक वो मॉरल है, इसके पास वैल्यूज़ का कोई सेंस नहीं होता, प्रोसेस वैल्यूज़ के बारे में कोई पता नहीं होता है, ये गुड और बैड के बीच में डिफर नहीं कर सकता। ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है कि हमको जिस चीज़ में खुशी मिलती है बस वही काम करवाता है। और जो ईद की प्रोसेस है वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और यहाँ इसके 2 काइंड्स होते हैं, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं जो फ्रॉयड ने बताया है, और उन्होंने उसको नाम ईरोस एंड थैनेटोस रखा है। वहीं हम लिबिडो के बारे में देखते हैं, अगर एक नया पॉइंट जो वर्ड उन्होंने बताया था फायर सिग्नल 5 में लिबिडो, तो ये भी हमारे ईद का ही पार्ट है जो कि ग्रेटिफिकेशन को दर्शाता है, वो भी प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी।
इसमें सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी आती है लिबिडो में। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अदर ग्रेटिफिकेशन, जैसे दूसरी इच्छाएं होती है वैसे ये भी है। और नॉर्मल नीड, किसी भी एक इंडिविजुअल की नॉर्मल नीड कंसिडर किया जा सकता है इसे। फ्राइड ने कंसिडर किया है कि टोटल स्ट्राइविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल स्ट्राइविंग है लिबिडो। जो फ्राइड ने लिबिडो पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और उन्होंने कहा है कि ये हर एक उम्र में ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, फिर वो इन्फेंट ही क्यों ना। अब अगर लिबिडो कंप्लीट हुआ जो ठीक और अगर नहीं हो पाता है तो कुछ फिक्सेशंस आ जाते हैं लाइफ में। तो ये फिक्सेशन कब होते हैं? जब या तो हमारी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हुई हो या फिर ओवर फुलफिल्ड हो। इन दोनों ही कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी उस अवस्था में, उस स्टेज में फिक्स्ड हो जाता है, उसे हम फिक्सेशन कहते हैं। वहीं जो लिबिडो है उसको देखा है कि अलग अलग जोन्स पे किस प्रकार से लिबिडो दर्शाई जाती हैं या देखने को मिलती है। जैसे ओरल स्टेज में 0 to 1 years में जो इन्फेंट्स है वो अपने लिप्स को सक करके अपनी प्लेजर क्रिएट करते हैं। वहीं एनाल स्टेज में 1 to 3 years में जो चाइल्ड है अपने एनाल एक्सपर्जन और एनाल मैनिपुलेशन के थ्रू अपना प्लेजर लेते हैं। वहीं फेलिक स्टेज होती है जो 3 to 6 years होती है, जो चाइल्ड होते हैं वो अपने जेनिटल जो पार्ट्स होते हैं उसे टच करके अपना ग्रेटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। इसमें एडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं इसी स्टेज में। वहीं पे लेटेंसी स्टेज देखेंगे 6 to 13 years। लेटेंसी स्टेज में सेक्सुअलिटी को थोड़ा अवॉइडेंस मिलता है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, और चाइल्ड जो है वो अपनी स्कूल एक्टिविटी में इस टाइम पे बिजी हो जाता है। वहीं हम जेनेटिकल स्टेज देखें तो प्यूबर्टी टू डेथ ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल। फाइनल स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट स्थापित कर लेता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, और इसी को हम जेनेटिकल स्टेज बोलते हैं। देन साइकोसोशल स्टेज के जो है अगर हम देखें शॉर्ट में, जो हमने अभी सारी स्टेज देखी उसको शॉर्ट में अगर देखें तो ओरल में होता है माउथ जो मेन ऑर्गन है और सकिंग और स्वेलिंग करता है। वहीं एनल स्टेज में एनस होती है जिसमें भी थोल्डिंग और एक्सपेलिंग होता है। वहीं फैलिक स्टेज में पेनिस या क्लाइटोरिस मेस्टुबेशन की स्टेज आती है यहाँ पर। वहीं हम लैटेंट देखें तो उसमें लिटिल और नो सेक्सुअल माइग्रेशन होता है क्योंकि इस टाइम पे सोशल इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वहीं जेनिटल में देखें तो पेनिस और वैजिन और सेक्सुअल इंटरकोर्स इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इस थेरेपी की कुछ क्रिटिकल सिम्पटम्स हैं तो ये क्या थे ये देखते हैं। तो जो सैंपल थे कलेक्ट किए थे वो उनके पैशन से ही उन्होंने किए थे और उन्होंने इम्पॉर्टेंस इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल नहीं दी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी को ही इम्पॉर्टेंस दी थी, इसलिए इनके कुछ ये 3 critics हैं जिसके वजह से इनकी थ्योरी को कुछ नकारा गया था। आई होप आपको ये थ्योरी कुछ कुछ समझ में आई है और जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।